Everyone welcome डॉक्टर ब्लैक बेलीमिस एक हजार Genius सौ Black Belly Miss Chapter दो to 1250 कोंडोर देश मजबूत और शक्तिशाली था लेकिन यह अभी भी फायर कंट्री शक्तिशाली नहीं था अग्नि देश के सम्राट के रूप में अपनी विशिष्ट उपाधि का उपयोग करते हुए अदिति वास्तव में कोंडोर देश के सम्राट को ठीक से यह नहीं सिखा पाएगी कि इसका वास्तव में क्या मतलब है कमजोरों को धमकाना लेकिन ऑल ड्रैगन्स पैलेस के लोग कोंडोर देश के भीतर हैं हुआ याओं ने सावधानी से याद दिलाया यदि इसे केवल व्यक्तिगत देश की ताकत के आधार पर आका जाता है तो कोंडोर देश स्वाभाविक रूप से फायर कंट्री तुलना में फीका होगा लेकिन अगर बारह महल उनका समर्थन कर रहे होते तो यह अब निश्चित नहीं था कोंडोर देश में ऑल ड्रैगन्स पैलेस है तो क्या फायर कंट्री पास अन्य महल भी उनका समर्थन नहीं करेंगे अदिति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा अदिति की बातों से हर कोई हैरान रह गया फैन जो ने अदिति को एक पल के लिए घूर देखा और अचानक जोर से हंसने लगा छोटी अदिति ने जो कहा वह उचित लगता है बारह महलों में से सात महलों के पास नक्शे का एक हिस्सा है जो अंधेरे सम्राट के मकबरे की ओर जाता है और वे सभी अत्यधिक सावधान है और एक दूसरे के प्रति संरक्षित है जहाँ वे स्वाभाविक रूप से अन्य महलों के लिए जो भी जानकारी या योजनाएं हैं उन्हें प्रकट नहीं करेंगे ऑल ड्रैगन्स पैलेस ने पहले ही अपने बलि के मेमने के लिए कोंडोर देश की तलाश कर ली थी अन्य पैलेस भी ऐसा क्यों नहीं कर सके फायर कंट्री तुलना में कोंडोर देश काफी हद तक कमतर था इसलिए ऑल ड्रैगन्स पैलेस के लोग यह पता नहीं लगा पाएंगे कि फायर कंट्री अन्य महलों का समर्थन नहीं मिला था बारह महल एक दूसरे के खिलाफ थे लेकिन साथ ही उन्होंने इसके बारे में बहुत स्पष्ट होने की हिम्मत नहीं की जब तक वे ऑल ड्रैगन्स पैलेस के लोगों को यह सोचते रहेंगे कि फायर कंट्री दूसरे पैलेस से समर्थन प्राप्त है वे वास्तव में केवल कोंडोर कंट्री की खातिर फायर फायर कंट्री बड़ा उपद्रव करने की हिम्मत नहीं करेंगे इसके अलावा फायर कंट्री में पहले बारह महलों के संपर्क में थी और उन्हें शो प्रस्तुत करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा छोटी अदिति फूलदान टूटने के डर से चूहे को छोड़ने के लिए ऑल ड्रैगन्स पैलेस के लोगों को बुलाना चाहती है कुआयाओ ने भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा क्लाउड से अनुवादक नोट चीनी मुहावरा बड़े परिणामों के डर से एक छोटे से उल्लंघन को माफ कर देना बेहतर होगा कि मैं कुछ हद तक अनुवाद कर सकूं सोचा कि शाब्दिक अनुवाद यहां बेहतर होगा अदिति ने सिर हिलाया जब दोनों देशों के पीछे बारह महल हो तो उन्हें पूरी तरह से अपनी ताकत के आधार पर लड़ना होगा और पोंडोर देश को जब अग्निमय देश का सामना करना पड़ेगा तो क्या वे उतावलेपन से कार्य करना जारी रखने का साहस करेंगे और ड्रैगन्स पैलेस के लोगों को आशंकित करने के लिए हमें शक्ति का पर्याप्त प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी हम में से कुछ लोग बारह महलों में से किसी एक के सदस्य होने का दिखावा करने में सक्षम होंगे लेकिन मुझे डर है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं होगा फैन जुओ ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए तर्क किया अंत में उन सभी को अभी भी सच्ची बैंगनी आत्माएं नहीं माना जा सका ये शाह अदिति ने आंखें सिकोड़कर पुकारा अदिति के बगल में अचानक ये शाह की आकृति उभर आई यंग मिस मेरे लिए क्या निर्देश है क्या आप स्वयं को बारह महलों के किसी व्यक्ति के रूप में छिपाने में सक्षम होंगे अदिति ने पूछा उसने कभी भी ये शाह को किसी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते नहीं देखा था ये शाह ने उत्तर दिया हालांकि आपका अधीनस्थ आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं करता है लेकिन अगर यंग मिस आवश्यकता है तो मैं अपनी शक्तियों को इसमें बदल सकता हूँ ऐसा कहने पर ये शाह ने अपनी शक्ति को एक चमक में छोड़ दिया जिससे अचानक उसके शरीर पर छाई काली धुंध बैंगनी आत्मा की शानदार चमक में बदल गई शुद्ध और पूरी तरह से शुद्ध बैंगनी और इसकी छाया की गहराई ने किया उच्चू और किनारे खड़े अन्य सभी लोगों को बहुत चौंका दिया पर्पल स्पिरिट्स के बीच भी इस आध्यात्मिक शक्ति की चमक ने इसकी जबरदस्त ताकत के चरम का उदाहरण दिया ठीक है अदिति ने संतुष्टि में सिर हिलाया कल कोंडोर देश के सम्राट को एक राजनयिक नोटिस भेजें जिसमें कहा जाए कि फ़ायर कंट्री सम्राट अदिति उनसे मिलने आएंगी अदिति ने ठंडे स्वर में कहा इस बार वह क्यूई साम्राज्य के सभी मारे गए सैनिकों रुई लिन सेना के उन लोगों के लिए न्याय मांगना चाहती थी जो लिन पैलेस के लिए अपनी मौत तक लड़े थे और बकभिट साम्राज्य के छोटे सम्राट के लिए न्याय मांगना चाहती थी वह कोंडोर देश के सम्राट को जनता की आंखों के सामने अपने पैरों तले रौंदना चाहती थी उस कुरूप चेहरे को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी कोंडोर देश के इम्पीरियल पैलेस के भीतर कोंडोर देश के सम्राट का चेहरा क्रोधित था और अत्यधिक क्रूर लग रहा था उसने अपने सामने घुटनों पर बैठे अधिकारी को क्रोध भरी आंखों से देखा बेकार के लिए अच्छाइयों का एक पूरा समूह क्या आप में से कोई भी अभी तक अपराधी को नहीं पकड़ पाया अभी कुछ समय पहले ही प्रांगण पर हमला हुआ था और बड़ी संख्या में मौतें हुई थी उन्होंने लोगों से मामले की जांच के आदेश दिए थे लेकिन इतने समय बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है किसी के द्वारा इम्पीरियल सिटी के भीतर ही इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देना जहां वे बकवीत साम्राज्य के छोटे सम्राट को भी ले गए थे यह अनजाने में उस पर एक अच्छा जोरदार तमाचा मारने के समान था जहां उसे उचित रूप से अपमानित होने के कारण अपना सारा चेहरा खोना पड़ा जिसे कोंडोर देश का सम्राट चाहे कुछ भी हो निगलने में असमर्थ था अधिकारी ने फर्श पर घुटनों के बल बैठ कर कापती आवाज में कहना शुरू किया आपके अधीनस्थ ने पहले से ही इसकी गहराई से जाँच करने के लिए और लोगों को नियुक्त किया है और वे जल्द ही उन लोगों का पता लगा लेंगे कोंडोर देश के सम्राट ने बेलगाम क्रोध में भद्दी भद्दी गालियां दी उनके चेहरे पर निर्दयता अत्यधिक स्पष्ट थी तुम सब बस बेकार मूर्ख हो अपनी घृणित नाक के नीचे से भगोड़ों के एक पूरे समूह को भागने देना और एक को भी रोकने में सक्षम नहीं होना अधिकारी ने प्रत्युत्तर में एक शब्द भी कहने का साहस नहीं किया उसके हृदय में कड़वाहट भर गई वे वास्तव में उन्हें रोकना चाहते थे लेकिन वे सभी युवा अत्यधिक असाधारण थे उन सभी के पास बैंगनी आत्मा की शक्ति होने के कारण उनके नियमित सैनिक उनमें से किसी को कैसे रोक सकते थे यदि यह तथ्य नहीं है कि वे अपराधी युद्ध को लंबा खींचना नहीं चाहते थे केवल शहर के भीतर उनके पास जो सैनिक थे उनमें से एक या दो को पकड़ने के बारे में तो भूल ही जाइए यह उनके लिए पहले से ही बेहद भाग्यशाली था कि उन्हें पूरी तरह से मिटाया नहीं गया था बाहर अपने सामने आई कठिनाइयों को आवाज देने में असमर्थ अधिकारी चुपचाप घुटनों के बल बैठे रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका कोंडोर देश का सम्राट बहुत गुस्से में था कोंडोर देश हमेशा अपनी ताकत से दूसरों को धमकाने वाला रहा है और किसी ने वास्तव में अपने शाही शहर के भीतर इस तरह का कहर बरपाने की हिम्मत की इससे एक शासक के रूप में उसकी गरिमा कहा चली गई सब कचरा यहां से भाग जाओ यदि आप अब भी मुझे शीघ्र कोई परिणाम नहीं देते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको क्या करना होगा अधिकारी काम उठा और वह तुरंत मुख्य हॉल से बाहर चला गया उनके जाने के बाद मुख्य हॉल में अचानक तेढी पीठ वाली एक आकृति प्रकट हुई अभी भी क्रोध से भरे हुए कोंडोर देश के सम्राट ने बूढ़े व्यक्ति को देखा तुरंत जल्दी से अपने सिंहासन से नीचे चले गए और सम्मानपूर्वक अभिवादन में कहा एल्डर हुआंग बूढ़े ने हल्का सा सिर हिलाया वह वही बूढ़ा आदमी था जो उस दिन कोंडोर देश के सम्राट के साथ आंगन में गया था अभी भी मामला साफ नहीं हुआ एल्डर हुआंग ने सवाल किया कोंडोर देश के सम्राट का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने सावधानी से कहा यह सब इसलिए है क्योंकि जो बेकार है वे सभी बेकार है अभी तक उन्हें इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है लेकिन एल्डर हुआंग निश्चिंत रहे मैं निश्चित रूप से उन दोषियों को पकड़ लूंगा उन्होंने वास्तव में कोंडोर देश के शाही शहर के भीतर ऐसी तबाही मचाने का साहस किया और यहाँ तक कि बकवीट साम्राज्य के सम्राट को भी छीन लिया इस मामले में मैं निश्चित रूप से इसे कोई आराम नहीं दूंगा एल्डर हुआंग ने कोंडोर देश के सम्राट की ओर देखा और कहा आंगन के अंदर सीधे हमला करने में सक्षम होने के लिए अपने हजारों सैनिकों को मारने के लिए और वहाँ से पीछे हटने से पहले बकवीट साम्राज्य के सम्राट को बचाने के लिए अभी भी एक टुकड़े में वे लोग निश्चित रूप से हैं सिंपलटन मैंने सुना था कि उनके साथ दो गार्जियन ग्रेड स्पिरिट बीस्ट भी थे इस मामले में मुझे लगता है कि इसे संभालना आसान बात नहीं होगी कोंडोर देश का सम्राट थोड़ा अचंभित हो गया उसके बारे में भी उसने सुना था उस दिन जब बकवीट साम्राज्य के सम्राट को ले जाया गया था केवल छह लोग थे जो आमदन में आए थे लेकिन उन सभी के पास बैंगनी आत्मा की शक्तियां थी और यहां तक कि दो संरक्षक ग्रेड आत्मा जानवरों ने उनके लिए किले पर कब्जा कर लिया था भी इतनी जबरदस्त युद्ध शक्तियों के साथ वे ऐसी ताकत नहीं थे जिसका उसके पुरुष सैनिक विरोध करने में सक्षम थे उन्होंने अब इस मामले को देखने के लिए बहुत सारे संसाधन जुटाए थे इसका एक बड़ा हिस्सा केवल एल्डर हुआंग के लिए एक शो प्रस्तुत करना था रहने भी दो फ़िलहाल मामले को शांत रहने दीजिए बकवीट साम्राज्य का वह छोटा बच्चा स्कारलेट ब्लड से पीड़ित था और वह लंबे समय तक जीवित रहेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लोग कहां से थे क्योंकि वे उसे बचाने के लिए ही यहां आए थे इसलिए इसकी अधिक जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो समय बीत चुका है उससे मैं अनुमान लगा रहा हूं कि छोटा बच्चा पहले ही मर चुका होगा बुजुर्ग हुआ ने धीमी हंसी छोड़ते हुए कहा उसे अब भी याद है कि जब उसने उस बच्चे को पहली बार देखा था तो उस जोड़ी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में जो भोलापन और अज्ञानता थी ऐसी जीवंतता थी जो किसी भी व्यक्ति के दिल में हमेशा सब कुछ बर्बाद करने की इच्छा को जन्म देती थी हाँ यह वैसा ही होगा जैसा एल्डर हुआंग ने आदेश दिया था कोंडोर देश के सम्राट ने चुपचाप अपने माथे से ठंडा पसीना पोचते हुए स्वीकार किया बकवीत साम्राज्य के अंतिम दो सम्राट आपकी षड्यंत्रकारी साजिशों के तहत मर गए थे और बकवीत साम्राज्य की शाही परिवार की वंशावली सूख गई है हालांकि वह देश थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी वे कुछ काम आ सकेंगे आप उनसे क्या निपटने का इरादा रखते हैं एल्डर हुआंग ने कोंडोर देश के सम्राट पर तिरछी नजर डालते हुए पूछा कोंडोर देश के सम्राट इस सवाल से थोड़ा चौंक गए और उन्होंने जल्दबाजी में उत्तर दिया बकवीट साम्राज्य ने कोंडोर देश के खिलाफ अराजकता भड़का दी थी जहां उनके सैनिकों ने वास्तव में कोंडोर देश की शाही राजधानी के भीतर अपने हथियार उठाने की हिम्मत की थी यह एक स्पष्ट संकेत था कि वे युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहे थे और मैंने आदेश दिया है कि कोंडोर देश अगले कुछ दिनों में बकवीट साम्राज्य के खिलाफ अपनी सेना जुटाएगा उम्मीद है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा इससे पहले कि हम उन्हें नीचे ले जा सकें बकव साम्राज्य की सेना शायद इस लायक नहीं होगी कि वह उन पर ध्यान दे लेकिन बकवहित साम्राज्य के नागरिक फिर भी कुछ काम के होंगे वे सबसे उपयुक्त थे उन्हें हर आदमी में बदलने के लिए बुजुर्ग हुआंग धीरे से हंसे और कोंडोर देश के सम्राट की ओर देखा तुम इतने दुष्ट हो कि इतने छोटे से देश को अन्य शासकों के लिए चेतावनी के रूप में इस्तेमाल करना जानते हो उनके शाही रक्षकों को आपके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर करके इसने आपको उनके खिलाफ सेना जुटाने का बहाना दिया जिस तरह से अब हालात है अन्य शासक अपनी बुद्धि से भयभीत हो गए होंगे और आपके खिलाफ विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे असल में मैं जो सोचता हूँ उसके आधार पर चाहे वे आपका विरोध करें या नहीं यह अभी भी वैसा ही रहेगा उनकी सेनाएं और उनके सभी लोग आखिरकार झर आदमी बन जाएंगे वे सभी केवल अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे हैं यह नहीं जानते कि उनके देश अंत आपके हाथों में आ जाएंगे मुझे लगता है कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा कि निचले दायरे का सबसे शक्तिशाली देश जल्द ही आपका कोंडोर देश बन जाएगा सम्मान का आनंद ले पाएगा यह सब हमारे कारण है कि एल्डर हुआम ने हमें बाहर का रास्ता दिखाया है हमारे लिए अब से कोंडोर देश एल्डर हुआ के निर्देशों का पालन करेगा और कोंडोर देश के सभी लोग एल्डर हुआंग को जल्द से जल्द उस नक्शे के पीछे के रहस्य को उजागर करने में मदद करने की दिशा में काम करेंगे बुजुर्ग हुआम ने खराटे लेते हुए कहा कम से कम आपको इसका एहसास हुआ आपका वह प्रस्ताव इस बूढ़े को अभी याद रहेगा एल्डर हुआ की सेवा कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात होगी जब वे दोनों बातचीत कर रहे थे एक गार्ड अचानक मुख्य हॉल के बाहर आ गया और रिपोर्ट करने के लिए दर्शकों की तलाश कर रहा था कौंडोल देश का सम्राट तुरंत अपने सिंहासन पर बैठने के लिए वापस चला गया और एक सम्राट का आधिकारिक मोर्चा सामने रखा उसे अंदर आने दो मुख्य हॉल के बाहर का गार्ड तुरंत अंदर आया और घुटनों के बल बैठकर रिपोर्ट करने लगा महामहिम को रिपोर्ट कर रहा हूं अग्नि देश के सम्राट ने कुछ समाचारों के साथ यहां एक दूत भेजा क्या आग वाला देश कोण्डोर देश के सम्राट की आंखें आश्चर्य से घूरने लगी यदि यह कहा जाए कि इन स्वर्गों के नीचे उसे डरने की कोई चीज है तो वह केवल अग्नि देश ही होगा फायर कंट्री कोंडोर देश से बहुत अधिक मजबूत थी और कई वर्षों से वे हमेशा कोंडोर देश के लिए दबाव का एक स्रोत रहे थे जो उन्हें कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाने से रोकता था और यह बहुत पहले की बात नहीं है जब कोंडोर देश ने क्यू ही साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए तीन अन्य देशों के साथ गठबंधन किया था और जैसे ही क्यूई साम्राज्य खुम होने वाला था फाया कंट्री सेना अचानक उनके बचाव के लिए आ गई उन्होंने न केवल क्यूई साम्राज्य को संकट से बचाया था उन्होंने क्यूई साम्राज्य की धरती के भीतर चार देशों के गठबंधन की सेनाओं को भी नष्ट कर दिया था एक भी जीवित बचे बिना और जब उसने नाम सुना फाया कंट्री तो कोंडोर देश का सम्राट खुद को रोक नहीं सका लेकिन उसका दिल उछल पड़ा अवचेतन रूप से उसने एल्डर हुआंग की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया बुजुर्ग हुआंग की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गई कोंडोर देश के सम्राट का दिल थोड़ा घबरा रहा था लेकिन जब उसने देखा कि एल्डर हुआम यहाँ है तो उसे थोड़ा और आराम महसूस होने लगा तो क्या हुआ अगर यह अग्नि देश है चाहे वह कोई भी देश हो कोंडोर देश अब उनमें से किसी से नहीं डरता था क्या खबर है आज फायर कंट्री सम्राट महामहिम से मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से आएंगे गार्ड ने कहा ठीक है मुझे मिल गया तुम्हें बर्खास्त कर दिया गया है कोंडोर देश के सम्राट ने शांत होने का दिखावा करते हुए कहा लेकिन अंदर ही अंदर जो भावनाएं अभी अभी शांत हुई थी वे अचानक एक बार फिर शांति व्यस्त हो गई फायर कंट्री ने न केवल समाचार भेजा था वे उससे मिलना भी चाहते थे और यह आज हो रहा है क्या इसका यह भी मतलब नहीं है कि फायर कंट्री सम्राट पहले से ही चुपचाप अपने कोंडोर देश की सीमाओं में बिना किसी ध्यान के आ गया था और वह वर्तमान में कोंडोर देश की शाही राजधानी से ज्यादा दूर नहीं था या क्या वह पहले से ही यहाँ कोंडोर देश की शाही राजधानी के अंदर है दूसरे देश के शासक के चुपचाप अपने देश की सीमाओं के भीतर चले जाने से कोंडोर देश के सम्राट को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई कोंडोर देश और फायर कंट्री ही में युद्ध में शामिल हुए थे और कोंडोर देश की सेना का सफाया हो गया था यहाँ तक कि ऑल ड्रैगन्स पैलेस द्वारा उनका समर्थन करने के बाद भी फायर कंट्री डर जो उनकी हड्डियों में गहराई तक समाया हुआ था अभी भी कोंडोर देश के सम्राट को अत्यधिक असहज महसूस करा रहा था एल्डर हुआंग कोंडोर देश के सम्राट ने एल्डर हुआंग की ओर विनती पूर्वक देखा इसके बजाय एल्डर हुआंग ने उत्तर दिया पहले देखें कि उनके यहां आने का कारण क्या है कोंडोर देश के सम्राट ने सिर हिलाया और कहा ऐसा नहीं है कि मैं उनसे डरता हूं यहां एल्डर हुआंग के साथ तो क्या हुआ अगर यह अग्नि देश है हालांकि उसके मुंह ने यही कहा था फिर भी उसका दिल काफी घराया हुआ महसूस कर रहा था फायर कंट्री सम्राट की यात्रा कमोबेश कोंडोर देश के सम्राट पर कुछ हद तक दबाव लाएगी और पता नहीं कैसे वह समाचार अन्य विभिन्न देशों के अन्य शासकों के बीच फैलना शुरू हो गया जिससे उनकी रुचि बहुत बढ़ गई फायर कंट्री कोंडोर कंट्री अभी अभी युद्ध में लड़े थे और यह एक ऐसा तथ्य था जिसे हर कोई जानता था फायर कंट्री सम्राट का इस समय यहां आना निश्चित रूप से महज एक अनौपचारिक बातचीत जैसी साधारण बात नहीं होगी उस समय कोंडोर देश के उत्पीड़न को अच्छी तरह से सहन करने के बाद अन्य देशों के शासक फायर कंट्री सम्राट के आगमन की आशा करने लगे जैसे ही कोंडोर देश के सम्राट यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि फायर कंट्री प्रतिनिधिमंडल कब आने वाला है कोंडोर देश के इम्पीरियल पैलेस के मुख्य द्वार के ठीक सामने अचानक कई आकृतियां प्रकट हुई कई लोगों ने शानदार कपड़े पहने थे लेकिन वे दिखावती नहीं लग रहे थे उनसे निकलने वाली सुंदरता ने उन्हें परिष्कृत और अत्यधिक प्रतिष्ठित महसूस कराया लोगों के समूह का नेतृत्व एक छोटे कद का युवक कर रहा था उसका चेहरा नाजुक था लेकिन उसकी आंखों की बर्फीली ठंडी जोड़ी थी उसके सिर पर मुकुट था जिससे गुजरने वाले नागरिक रुक जाते थे और देखते रह जाते थे हाल के दिनों में कोंडोर देश की शाही राजधानी में काफी संख्या में शासक आए थे और कोंडोर देश के नागरिकों को अब यह अजीब नहीं लगा और उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया कोंडोर देश के इंपीरियल गार्ड ने जल्दी से महल के अंदर खबर भेजी और कोंडोर देश के अभी तक तैयार न हुए सम्राट सदमे में स्तब्ध रह गए यहाँ पहले से ही इतनी तेज़ी जब से उनके आने की ख़बर उन तक पहुंची तब तक दो घंटे भी नहीं बीते थे और फायर कंट्री लोग पहले ही महल के द्वार के बाहर आ चुके थे कितने लोग आए कोंडोर देश के सम्राट ने शीघ्रता से पूछा आठ गार्ड ने उत्तर दिया कोंडोर देश के सम्राट ने तब राहत की सांस ली केवल आठ लोग इसलिए ऐसा नहीं लग रहा था कि फ़ायर कंट्री पर युद्ध की घोषणा करने के लिए यहां थी हालांकि उसने निजी तौर पर खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था लेकिन अभी फायर कंट्री लड़ने का यह सबसे अच्छा समय नहीं था और उसके लिए अब अपना कदम उठाना अच्छा नहीं होगा उन्हें आमंत्रित करें इतना कहने के तुरंत बाद उन्होंने लोगों को एल्डर हुआंग को आमंत्रित करने के लिए कहा जो कुछ समय पहले ही वहां से निकले थे फायर कंट्री सामना करने से वह अभी भी थोड़ा घबरा गया था बहुत जल्द फायर कंट्री प्रतिनिधिमंडल को मुख्य हॉल में ले जाया जा रहा था और कोंडोर कंट्री के सम्राट ने सिंहासन पर बैठते समय शांति बनाए रखने का नाटक किया उनकी निगाहें मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थी जब उन्होंने अचानक नाजुक देखा सिर पर मुकुट पहने युवा दिख रहा है और धीरे धीरे हॉल के बीच में चल रहा है अपनी नजरें घुमाकर देखा पहले युवक के पीछे पांच अन्य उत्कृष्ट दिखने वाले युवा थे और ठंडे और कठोर चेहरे वाला एक लंबा कद का व्यक्ति था जबकि एक थका हुआ दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति उनके पीछे चल रहा था क्या मैं जान सकता हूँ आप कोंडोर देश के सम्राट हैं पोंडोर देश के सम्राट अभी अपना प्रश्न पूरा भी नहीं कर पाए थे कि प्रमुख युवक ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और आधी झुकी हुई आंखों के माध्यम से पोंडोर देश के सम्राट को वाक्य के बीच में ही पूरी तरह से काटकर बोला यह पहली बार था जब पोंडोर देश के सम्राट का सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसने उसे बीच में रोकने की हिम्मत की और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया मैं हूं और तुम हो उसने नाजुक जवानी को देखते हुए पूछा तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं यह तो दिलचस्प है मुझे यह न बताए कि कोंडोर देश का सम्राट पहले से ही इतना बूढ़ा हो गया है कि, कि वह फायर कंट्री सम्राट के मुकुट को भी नहीं पहचान सकता है इतनी बुरी दृष्टि के बावजूद भी शासक के सिंहासन पर बैठने में सक्षम कोंडोर देश में प्रतिभाओं की भारी कमी होगी अदिति ने उपहास से कहा उसका स्वर अवमानना से भरा हुआ था जिसमें कोंडोर देश के सम्राट के प्रति जरा भी सम्मान नहीं दिख रहा था अदिति द्वारा खुद को दो बार पूरी तरह से अपमानित होते हुए पाकर कोंडोर देश के सम्राट जो हमेशा अकेले सर्वोच्च रहे थे ने अचानक पाया कि उनका चेहरा लगभग हरा हो गया था उसने स्वाभाविक रूप से फायर कंट्री सम्राट चेहरे को पहचान लिया था जब फायर कंट्री शासन परिवर्तन हुआ तो उसने पहले ही लोगों को नए सम्राट के चित्र को चित्रित करने का आदेश दे दिया था उसने ऐसा पहले केवल इसलिए कहा था क्योंकि उसने सोचा था कि वह युवक अभी भी बहुत छोटा था और वह जानबूझकर शुरू से ही श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहता था अंत में प्रयास न केवल बुरी तरह विफल रहा बल्कि वह युवा युवावस्था से अभिभूत हो गया कोंडो देश के सम्राट को ऐसी कायरता सहने की जरूरत कब पड़ी थी उसने अदिति के विरुद्ध इस घटना को चुपचाप अपने हृदय में अंकित कर लिया और तब तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक कि उसकी जार पुरुषों की भव्य सेना तैयार नहीं हो जाती और वह इस अग्नि देश के सम्राट को टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता फायर कंट्री सम्राट अभी भी युवा था और कोंडोर कंट्री के सम्राट को स्वाभाविक रूप से यह पता था ऐसे युवा और अज्ञानी नए शासक का सामना करते हुए कोंडोर देश के सम्राट ने सोचा कि यह उसके लिए आसान होगा इतने युवा व्यक्ति के लिए सिंहासन पर चढ़ने के बाद भी उसके आत्मविश्वास और आचरण में अभी भी कमी होगी क्या बकवीट साम्राज्य के दो सम्राट ऐसे ही नहीं थे उसके थोड़े से हेरफेर से वे दोनों आसानी से धोखा खा गए थे यह मानते हुए कि किफाया कंट्री सम्राट को उसी कपड़े से काटा गया था उसने यह नहीं सोचा था कि जैसे ही अदिति ने अपना मुंह खोला उसने सीधे उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा था एक थप्पड़ जिसने कोंडोर देश के सम्राट को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया था वह हमेशा अपने आप को अत्यधिक घमंडी और दबंग होने पर गर्व करता था और उसने कभी नहीं सोचा था कि फायर कंट्री यह युवक उससे भी अधिक दबंग और अत्याचारी था वे यहाँ कोंडोर देश के इंपीरियल पैलेस के ठीक अंदर खड़े थे और वह अभी भी इतना उतावला हो सकता था मैं यह कैसे नहीं जान सकता था दूर से आ रहा एक मेहमान मैं फायर कंट्री महामहिम के साथ मजाक कर रहा था बस इतना ही सीते लाओ कोंडोर देश के सम्राट को शर्मनाक अपमान का घूंट पीने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उन्होंने बिना मतलब के मुस्कुराकर कहा किन्नर जल्दी से सीटें ले आए और अदिति ने बिना कुछ कहे किसी भी औपचारिकता की परवाह नहीं की और तुरंत बैठ गई उसने अपने पतले पैर मोड़े और अपनी ठुड्डी उसकी हथेली पर टिकाई उसकी मुद्रा राजसी और प्रभावशाली थी दूर से कोई मेहमान क्या आप मुझे बता रहे हैं कि आप सचमुच मूर्ख हो गए हैं मेरे फायर कंट्री आपके कोंडोर कंट्री के साथ इस प्रकार का संबंध कब था क्या मुझे यहाँ आपको याद दिलाने की जरूरत है कि आपके कोंडोर देश की 10 लाख की सेना को अभी अभी कोड़े मारे गए थे और मेरे फायर कंट्री सेना ने उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया था विजेता राज करता है और हारने वाले लुट जाते हैं और आपके पास मेरे साथ मजा करने का साहस है तुम इसके योग्य नहीं हो अदिति की जहरीली जीप बेलगाम चलती रही उसके शब्द चुपते रहे और उसने खुद को जरा भी पीछे नहीं रोका कोंडोर देश का सम्राट चाहे कितना भी अच्छा स्वभाव का क्यों न हो अदिति की बेलगाम जीप के प्रहार के सामने वह वास्तव में विस्फोट करने वाला था उसका चेहरा हरे से सफेद हो गया उन्होंने अहंकार और उद्दंडता तो देखी थी लेकिन इस हद तक अहंकारी और उतावलापन कभी नहीं देखा था फायर कंट्री यह युवा सम्राट अपने कोंडोर देश में किस लिए आया है क्या वह यहाँ केवल उसे अपमानित करने के लिए ही आया है कोंडोर देश के सम्राट के मुंह का एक कोना हिलने लगा उसके हाथ उसके सिंहासन की भुजाओं को बहुत मजबूती से पकड़ रहे थे यदि अदिति के पीछे फायर कंट्री सेना की ताकत नहीं होती तो वह तुरंत उस युवक पर झपट पड़ता और उसे पूरा निगलने से पहले उस तेज जीप वाले लड़के की जिंदा खाल उतार देता कोंडोर देश के सम्राट के चेहरे को बदसूरत और बदसूरत होते देख क्या ओचू जो अदिति के पीछे खड़ा था लगभग अदिति के लिए ताली बजाना और खुश होना चाहता था छोटी लड़की आमतौर पर शांत रहती थी और बहुत कम बोलती थी यह कभी नहीं सोचा गया था कि जब वह पूरी ताकत से काम करेगी तो प्रभाव इतना स्फूर्तिदायक होगा कोंडोर देश के सम्राट का वह चेहरा देखकर यह सोचा गया कि अदिति उसे अवश्य ही बेहोश कर देगी किस कारण से फायर कंट्री महामहिम को अपनी बातें इतनी बुरी लगती है कोंडोर देश और फायर कंट्री बीच हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं और पिछली घटना केवल एक गलताफमी थी चूँकी आप आज हमारे कोंडोर देश में आए हैं तो आपको कोंडोर देश का अतिथि माना जाएगा दोनों देशों के लिए मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करना नागरिकों का सौभाग्य होगा और मुझे लगता है कि फायर कंट्री महामहिम निश्चित रूप से अपने लोगों के लिए कुछ सोचेंगे क्या यह सही नहीं है अपने भीतर दबे हुए गुस्से के कारण वह लगभग खून की उल्टी करना चाहता था कौंडोर देश के सम्राट इसके बजाय खुद को विस्फोट करने की अनुमति नहीं दे सके बल्कि अपने दिल के भीतर के गुस्से को दबा दिया और अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी और अपने नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखा युवा के दिल को झकझोरने और उसे तर्क से प्रेरित करने के प्रयास में तथापि अदिति के पास ऐसा कुछ भी नहीं था सौहार्दपूर्ण कौंडोर देश को मेरे फायर कंट्री साथ सौहार्दपूर्ण रहने के लिए क्या योग्य बनाता है क्या पराजयों के पास बोलने के लिए कोई जगह भी होगी मेरे फायर कंट्री नागरिक कभी भी डरे नहीं और न ही लड़ाई से पीछे हटे और अगर किसी के पास यह देखने और हमें दुश्मनी देने के लिए आंखें नहीं हैं तो वे निश्चित रूप से उन सभी को नर्क में भेजने से बहुत खुश होंगे कोंडोर देश के सम्राट ने लगभग खून की उल्टी कर दी फायर कंट्री सम्राट के आने का वास्तविक उद्देश्य क्या था क्या वह ठीक से बातचीत करना भी जानता है प्रत्येक वाक्य अगले से अधिक चुपता है क्या उसे यह भी एहसास है कि वह वर्तमान में किसकी धरती पर खड़ा है यह देखते हुए कि कोंडोर देश के सम्राट पहले से ही अपने क्रोध को दबाने में असमर्थ थे एल्डर हुआंग को हिजड़ों ने मुख्य हॉल के दरवाजों के माध्यम से धीरे धीरे मुख्य हॉल में चलने के लिए प्रोत्साहित किया और यह यहाँ देश का सम्राट है सचमुच तीखी जबान है बुजुर्ग हुआंग ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए कहा उनकी पर्पल स्पिरिट की सुनने की क्षमता ने उन्हें वहां पहुंचने से पहले हॉल के भीतर की बातचीत को सुनने की अनुमति दी थी अदिति के आक्रामक और अपमानजनक शब्दों के कारण उनके चेहरे पर अत्यधिक नाराजगी की झुरिया पड़ गई तो क्या हुआ यदि वह सबसे शक्तिशाली देश का सम्राट होगा ऑल ड्रैगन्स पैलेस से पहले वह आखिरकार एक चिंटी ही थी एल्डर हुआंग को प्रकट होते देखकर तुरंत कोंडोर देश के सम्राट को बहुत राहत मिली और उनका पूरा आचरण तुरंत मजबूत हो गया वह अपने सिंहासन पर सीधा बैठ गया और अदिति से बिल्कुल भी भयभीत नहीं दिख रहा था बुजुर्ग हुआंग सही है जब मैंने पहली बार सुना कि एक नया सम्राट फायर कंट्री सिंहासन पर बैठा है तो मैंने सोचा था कि यह अच्छी खबर है लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि फायर कंट्री गद्दी एक ऐसे युवा के हाथ में आ जाएगी जिसमें सामाजिक शिष्टाचार और शालीनता का इतना अभाव है ऐसे आचरण के साथ ऐसा कोई व्यक्ति पूरे देश की भारी जिम्मेदारियां कैसे उठा पाएगा एल्डर हुआंग के समर्थन में आने से पोंडोर देश के सम्राट को डरने की कोई बात नहीं थी और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जो खुद से बेहद प्रसन्न था अदिति ने मुख्य हॉल में प्रवेश करते समय बड़े हुआंग को उदासीनता से देखा उसकी आंखें सिकुड़ गई पॉइजन मैन और स्कारलेट ब्लड मूल रूप से मध्य क्षेत्र की चीजें थी लेकिन लोगों पर विपत्ति लाने के लिए इन्हें निचले क्षेत्र में लाया गया था जिस तरह से कोंडोर देश के सम्राट इस बूढ़े व्यक्ति पर प्रतिक्रिया दे रहे थे उससे अदिति को तुरंत उसकी पहचान का पता चल गया उसी समय एल्डर हुआंग अदिति का मूल्यांकन कर रहे थे यह देखकर कि यह महज एक युवा और दुबलापला युवा था उसके चेहरे पर और भी अस्वीकृति दिखाई दी बुजुर्गों का सम्मान किया जाना चाहिए या यह छोटा बच्चा यह नहीं समझता है बुजुर्ग हुआंग ने उद्देश्यत्मक लहजे में कहते हुए अदिति की ओर देखा अदिति ने व्यंग किया बुजुर्ग वरिष्ठ कहा है अपनी आंखों के सामने मैं केवल एक को देखता हूं जो मुझसे हारा हुआ है और दूसरा गंदा बूढ़ा व्यक्ति जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि वह कहां से उगाया है जो मुझसे बुजुर्ग वरिष्ठ होने का दावा कर सका है अदिति की बातों ने कोंडोर देश के सम्राट को बहुत चौंका दिया और वह तेजी से एल्डर हुआंग की ओर देखने लगे जब से एल्डर कोंडोर देश में आए थे उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया गया था और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया गया था किसी ने भी उसके अपमान में एक शब्द भी कहने का साहस नहीं किया और यहां तक कि स्वयं सम्राट ने भी उसके सामने सिर झुकाया और कान लटकाए अदिति पहली इंसान थी जिसने उनसे इस तरह से बात करने की हिम्मत की एल्डर हुआंग के चेहरे का रंग गहरा होता देख कोंडोर देश के सम्राट चौंकने के अलावा गुप्त रूप से प्रसन्न भी हुए इस युवा सम्राट को नाराज करने के लिए सभी लोगों में से उसे एल्डर हुआंग को नाराज करने का विकल्प चुनना था यह ज्ञात होना चाहिए कि यद्यपि एल्डर हुआंग का इरादा कोंडोर देश को स्वर्ग के अंतर्गत संपूर्ण भूमि को एकजुट करने में सहायता करने का था फिर भी उसने अभी तक किसी की आंखों के सामने अपना हाथ नहीं उठाया था अदिति के अपमानजनक तानों के साथ उसने अनजाने में एल्डर हुआंग के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था भले ही कोंडोर देश के लिए नहीं एल्डर हुआंग उसे कभी नहीं जाने देंगे अदिति की आकृति पर टिक गई छोटे बच्चे क्या तुम्हें लगता है कि फायर कंट्री सम्राट बनकर तुम जो चाहो कर सकते हो जो कुएं के भीतर से आकाश देखता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें कोई छू नहीं पाएगा क्लाउड से अनुवादक नोट चीनी मुहावरा आप कुएं के द्वार से आकाश का केवल एक भाग देखते हैं और बाकी विशालता नहीं देखते हैं निचले क्षेत्र के इन कीड़ों में वास्तव में उसका अपमान करने का दुस्साहस है अदिति ने बुजुर्ग हुआ की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा क्या आप कोशिश करना चाहते हैं बुजुर्ग हुआ ने तब कहा तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें आजमाऊं यहाँ इस बूढ़े आदमी को तुम्हें सिखाना चाहिए इस बदतमीज लड़के को कि इसका क्या मतलब है कि हमेशा तुमसे बेहतर कोई न कोई होता है और इस आकाश के पार हमेशा एक और आकाश होता है जैसे ही उसकी आवाज कम हुई एल्डर हुआंग का शरीर अचानक बैंगनी रंग की आत्मा की चमक के साथ फट गया उस चमकदार बैंगनी रंग की आध्यात्मिक शक्ति ने सिंहासन पर बैठे सम्राट को बहुत प्रसन्न किया कोंडोल देश के सम्राट को पहले से पता था कि एल्डर हुआंग के पास पर्पल स्पिरिट की शक्तियां हैं लेकिन उन्होंने उसे लड़ते हुए नहीं देखा था अदिति उस समय मुख्य हॉल के ठीक भीतर बैठी थी और उसके साथ केवल कुछ ही गार्ड थे इसलिए भले ही वह फायर कंट्री सम्राट था उसके साथ उसके लाखों क्रूर शेरों के बिना पर्पल स्पिरिट के सामने वह वर्तमान में अत्यधिक असुरक्षित थी कौंडोर देश के सम्राट अदिति के सिर को अपने शरीर से अलग देखने के लिए लगभग इंतजार नहीं कर सकते थे अगर अदिति आज यहां अपनी जान गंवा देती है तो फायर कंट्री रूप से अराजकता में बदल जाएगी और उस समय उसे बस आराम से बैठना होगा और उनसे लाभ प्राप्त करने का इंतजार करना होगा अदिति के सामने पर्पल स्पिरिट की चमक शानदार ढंग से चमक रही थी लेकिन वह अत्यधिक अहंकारी व्यवहार के साथ आलस्य से अपनी कुर्सी पर बैठी रही उसके चेहरे का किनारा उसकी हथेली पर टिका हुआ था और आधा इंच भी नहीं हिल रहा था उसकी आंखें शांत पानी की तरह शांत थी उसकी नजर एल्डर हुआम की ओर उदासीनता से घूर रही थी जिसके शरीर से अभी भी उसकी बैंगनी आत्मा की चमक शानदार ढंग से चमक रही थी बैंगनी आत्मा अदिति ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई यह उसकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया थी बुजुर्ग हुआंग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया कौंडोल देश के सम्राट ने विजय होकर चिल्लाने का मौका लिया और कहा अग्नि देश से महामहिम मैंने वास्तव में आपको यहाँ स्थापित नहीं किया है किसी ने आपसे सभी लोगों में से एल्डर हुआंग का विरोध करने के लिए नहीं कहा एल्डर हुआंग जैसे अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए वह आपके जैसा कोई छोटा व्यक्ति नहीं है जिसे आप जैसे चाहे अपमानित कर सकें अत्यधिक शक्तिशाली अदिति की नज़रें थोड़ी झुक गई बस इतना ही यह महज एक बैंगनी आत्मा है अदिति के शब्दों ने बुजुर्ग हुआम की भौहें एक साथ जोड़ दी उन्होंने महसूस किया कि अदिति का शांत और संयमित स्वभाव अजीब था क्योंकि यद्यपि बैंगनी आत्मा मध्य क्षेत्र में आम थी लेकिन निचले क्षेत्र में यह बेहद दुर्लभ थी लेकिन युवक की प्रतिक्रिया बहुत शांत थी और वह मदद नहीं कर सका लेकिन उसे यह थोड़ा अजीब लगा ऐसा लगता है कि कोंडोर देश के सम्राट ने असामान्य परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि अदिति सिर्फ एक झूठी बहादुरी का प्रदर्शन कर रही थी क्योंकि वह युवाओं को अच्छे और उचित तरीके से ठीक करने के लिए एल्डर हुआंग की प्रत्याशा में इंतजार कर रहा था सिर्फ एक बैंगनी आत्मा क्या यहाँ ये शब्द कुछ ज्यादा ही अहंकारी नहीं है मेरी जानकारी के अनुसार इन स्वर्गों के नीचे की भूमि ने लगभग एक शताब्दी तक किसी पर्पल स्पिरिट मुक्केबाज को नहीं देखा था हाल ही में केवल एक अकेले पर्पल स्पिरिट को छोड़कर जो जेफायर अकादमी के मानद हेडमास्टर वेन है शिनहान अग्निमय देश के महामहिम के बैंगनी आत्मा से इतने अप्रभावित होने के साथ क्या ऐसा हो सकता है कि आपने किसी अन्य को देखा हो कोंडोर देश के सम्राट को डर था कि एल्डर हुआंग इतने गुस्से में नहीं थे और वह सावधानी से स्थिति को भड़काने की कोशिश कर रहे थे अदिति ने उस पर बर्फीली नजर डाली एक बैंगनी आत्मा बहुत शक्तिशाली है उसके स्वर में इतनी लापरवाही के कारण वह शायद मौसम के बारे में ही पूछ रही होगी चूंकि आपको पर्पल स्पिरिट्स बहुत पसंद है यह अच्छा है अदिति ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर करके कहना शुरू किया और उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और अपने पीछे खड़े कई लोगों की ओर लापरवाही से अपना खाली हाथ लहराया यदि कोंडोर देश का सम्राट कुएं का मेंढक है तो आप सभी को बस उसकी आंखें खोलनी चाहिए और उसे दिखाना चाहिए कि बैंगनी आत्मा क्या होती है अदिति के शब्दों ने कोंडोर देश के सम्राट के मन को भ्रमित कर दिया और जैसे ही वह अत्यधिक भ्रमित महसूस कर रहा था अदिति के पीछे खड़े सात लोगों में से छह के शरीर से चमकदार बैंगनी आत्मा की रोशनी चमक उठी चमकदार बैंगनी रंग की आत्मा की चमक ने तुरंत मुख्य हॉल को भर दिया थके हुए दिखने वाले बूढ़े आदमी को छोड़कर अदिति के पीछे पांच युवा और ठंडे चेहरे वाला आदमी सभी पर्पल स्पिरिट्स थे उस समय कोंडोर देश के सम्राट को ऐसा झटका लगा कि वह लगभग अपने सिंहासन से गिर पड़े उसके सिर पर रखा जेड मुकुट तिरछा हो गया था क्योंकि वह बड़ी अविश्वास भरी आंखों से घूर रहा था इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ था कि अदिति अपने साथ छह पर्पल स्पिरिट्स लेकर आई थी यह कैसे संभव था पर्पल स्पिरिट इतना दुर्लभ था कि यह निचले क्षेत्र में लगभग किंवदंतियों का सामान बन गया था कोंडोर देश के सम्राट ने सोचा था कि अदिति कोंडोर देश के शाही महल में आने पर अपने साथ केवल सात लोगों को लाकर इतनी निडर और साहसी थी क्योंकि युवाओं का गर्म खून उसके सिर में घुस गया था और उसके दिमाग पर छा गया था किसने सोचा होगा कि अदिति जिन लोगों को लेकर आई थी वे केवल साधारण रक्षक नहीं थे बल्कि अविश्वसनीय रूप से दबंग पर्पल स्पिरिट्स का एक समूह थे यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अदिति ने कोंडोर देश के इंपीरियल पैलेस के मुख्य हॉल के ठीक बीच में इतना दबंग होने की हिम्मत की यह छह पर्पल स्पिरिट्स के कारण होना चाहिए जो इस समय उसके पीछे खड़े थे उस अत्यधिक भव्य पहरे के तहत कौन उसके सिर पर एक भी बाल छूने में सक्षम होगा उस क्षण कोंडोर देश के सम्राट अब अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार नहीं रख सके उसने अदिति के पीछे खड़े छह पर्पल स्पिरिट्स को घूरकर देखा और वह सब कुछ याद कर रहा था जो उसने पहले अज्ञानी खुशी में कहा था और वह चाहता था कि वह उन सभी शब्दों को वापस निगल सके जो उसने पहले कहे थे यहां तक कि एल्डर हुआंग के साथ होने पर भी एक पर्पल स्पिरिट छह पर्पल स्पिरिट्स के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है कोंडोर देश का सम्राट जो अभी अभी, अभी उल्लास से भरा हुआ था अचानक भयभीत छोटे चूजे जैसा हो गया क्योंकि उसके हाथ कांपने लगे फिर वह घबराकर एल्डर हुआंग की ओर देखने लगा हालांकि एल्डर हुआंग की प्रतिक्रिया ने उन्हें पूरी निराशा में धकेल दिया एल्डर हुआंग के चेहरे पर आश्चर्य का भाव किसी भी तरह से कोंडोर देश के सम्राट के चेहरे से कम नहीं था और उस दृश्य में उन्हें जो एहसास हुआ वह कोंडोर देश के सम्राट ने जो देखा उससे कहीं अधिक था मध्य क्षेत्र में पर्पल स्पिरिट्स देखना बेहद आम था और एक निश्चित उम्र तक पहुंचने वाले सभी लोग पर्पल स्पिरिट की शक्तियों को अस्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए एक विशेष विधि को नियोजित करने में सक्षम होंगे अदिति के पीछे छह पर्पल स्पिरिट्स में से एल्डर हुआंग देख सकते थे कि उनमें से पांच अपनी आध्यात्मिक शक्ति के स्तर को बढ़ाने के लिए उस पद्धति का उपयोग कर रहे थे हालांकि इस तरह से अपनी आध्यात्मिक शक्ति के स्तर को बढ़ाकर हासिल की गई पर्पल स्पिरिट एक सच्ची पर्पल स्पिरिट का विरोध करने में सक्षम नहीं होगी लेकिन अगर यह पांच के मुकाबले एक की स्थिति में है तो एक सच्ची पर्पल स्पिरिट भी एक साथ हमले के तहत हार मान लेगी हालांकि जिस बात ने एल्डर हुआंग को वास्तव में चौका दिया वह ठंडे और कठोर चेहरे वाला विशाल लंबा व्यक्ति था उस आदमी के शरीर पर बैंगनी आत्मा की चमक असाधारण रूप से तीव्र थी और यहां तक कि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि इस आदमी की शक्तियां उससे कहीं अधिक थी वह मूल रूप से अभी भी निचले क्षेत्र के इन कीड़ों में कुछ डर पैदा करने के लिए अपनी बैंगनी आत्मा शक्तियों का उपयोग करना चाहता था लेकिन एल्डर हुआंग को अचानक हिंसक रूप से उसके चेहरे पर छह बार थप्पड़ मारे गए यहां तक कि अगर उसने लंबे और ऊंचे कद वाले व्यक्ति को छोड़ भी दिया तो अकेले पांच युवा युवाओं को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल होता पूर्ण अहंकार एक पल में खम हो गया और एल्डर हुआंग के मुंह के कोने हिल गए मुझे आश्चर्य है कि हमारे मित्र यहाँ किस महल से हैं मैंने नहीं सोचा था कि आप फाया कंट्री साथ सहयोग करेंगे एल्डर हुआंग मूर्ख नहीं था इतनी शक्तिशाली बैंडनी आत्मा संभवता निचले क्षेत्र से नहीं हो सकती है और किसी की आध्यात्मिक शक्ति के स्तर को अस्थायी रूप से बढ़ाने की विधि निचले क्षेत्र में किसी को भी ज्ञात नहीं थी चाहे वह आदमी हो या वे पांच युवक सभी निश्चित रूप से मध्य क्षेत्र से आए थे इस तथ्य को याद करते हुए कि ऑल ड्रैगन्स पैलेस ने डार्क सम्राट की कब्र को खोजने और खोलने के लिए कोंडोर देश के साथ सहयोग किया था एल्डर हुआंग को तुरंत एहसास हुआ कि ये लोग दूसरे महल से होंगे और उनका लक्ष्य भी इसी तरह होगा अंधेरे सम्राट की कब्र के कारण हो फायर कंट्री क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली देश होने के कारण यह तथ्य की उन्हें चुना जाएगा अंतता अत्यधिक उचित होगा ये शाह और अन्य किसी ने भी जवाब नहीं दिया और एल्डर हुआंग का चेहरा बदसूरत हो गया अदिति का चेहरा अभी भी उसकी हथेली पर टिका हुआ था और वह एल्डर हुआंग के चेहरे पर बदले हुए भाव को शांत और निश्चिंत होकर देख रही थी क्या क्या तुमने घोषणा नहीं की थी कि तुम मुझे सबक सिखाओगे मैं इतनी देर से यही बैठा हूं क्या आप इसे पहले से ही नहीं करने जा रहे हैं एल्डर हुआंग के गले के ठीक नीचे एक कौर भर खून जमा हो गया था जब वह आधी सिकुड़ी आंखों से युवा सम्राट को गुस्से से घूर रहा था इच्छा कर रहा था कि वह अपनी हथेली के एक थप्पड़ से उस चेहरे को टुकड़ों में तोड़ दे कितनी बेशर्मी छह बैंगनी आत्माएं लाए और उन्हें सिखाने के लिए कहें वास्तव में ऐसा करने का साहस कौन करेगा अदिति के कपड़ों की नोक को भी छू पाता उसे पहले ही युवा सम्राट के पीछे बैंगनी आत्माओं द्वारा मुख्य हॉल के बाहर उड़ने के लिए भेज दिया जाएगा अपने दिल में चाहे कितनी भी शिकायत या गुस्सा महसूस हुआ हो एल्डर हुआंग ने उसी क्षण एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की बुजुर्ग हुआंग ने खुद को एक शांत और संयत मोर्चा बनाए रखने के लिए मजबूर किया और खुद को यह समझाने के लिए संघर्ष किया कि उसकी आंखों में एक कीड़ा होने पर वह नाराज़ न हो हालांकि बारह महलों को सामूहिक रूप से बारह महल कहा जाता था प्रत्येक व्यक्तिगत महल में दूसरे के प्रति कोई स्नेह नहीं था वे सभी लगातार आपस में झगड़ते रहे और केवल सती तौर पर शांतिपूर्वक साहस्तित्व में रहे चूंकि युवा सम्राट को दूसरे महल द्वारा सहयोग के लिए चुना गया था वे लोग युवा सम्राट की रक्षा के लिए उसे लड़ने में संकोच नहीं करेंगे जब तक एल्डर हुआंग के दिमाग में पानी नहीं होता वह वा वास्तव में इस स्थिति में अदिति के साथ झगड़ा नहीं करते जिस तरह से चीजें चल रही थी उससे पता चलता है कि वह यह शब्द पहले ही कह चुका था और अब चाहे वह कुछ भी करे यह उसके चेहरे पर तमाचा ही होगा उस समय बुजुर्ग हुआंग मन ही मन अदिति के पूर्वजों की सभी अठारह पीढ़ियों को शुभकामनाएं दे रहे थे यह छोटा बच्चा पूरी तरह से घृणित था जानबूझकर उन छह देवताओं को अपने पीछे रखा लेकिन पहले उनके बारे में एक भी शब्द नहीं बताया और बस इंतजार किया कि एल्डर हुआंग हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए और उसके चेहरे पर इस तरह से एक जोरदार तमाचा मारा जिससे उसे पीछे हटने का कोई उचित रास्ता नहीं मिला बिल्कुल भी ऐसी वंचित स्थिति में मजबूर होकर एल्डर हुआंग से उस समय क्या कहने की अपेक्षा की गई थी इसने उसे इतना क्रोधित कर दिया कि वह लगभग गुस्से में फूटना चाहता था चूंकि आप बारह महलों के मित्र हैं और यहां यह बूढ़ा आदमी भी ऑल ड्रैगन्स पैलेस से हैं इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं करूंगा आइए आज यहाँ सब कुछ भूल जाएं और इसे इस रूप में ले कि यह बूढ़ा व्यक्ति बारह महलों के एक मित्र के प्रति अपना शिष्टाचार बढ़ा रहा है थप्पड़ों से आहत होने के बावजूद एल्डर हुआंग अभी भी अपनी बातों को इतने भव्य अंदाज में तोड़म रोड़ सकता था मानो उसका मुकरना इसलिए नहीं था क्योंकि वह ये शाह और अन्य लोगों से डरता था बल्कि एक दोस्त के प्रति अपना शिष्टाचार बढ़ाने के लिए था बारह महलों के बीच आंतरिक झगड़े कभी भी सतह पर नहीं लाए गए और एल्डर हुआम का मानना था कि उनके शब्दों के पीछे का अर्थ पहले से ही स्पष्ट होने के कारण दूसरा पक्ष निश्चित रूप से समझ जाएगा कि वह क्या कहना चाह रहा था हालांकि अदिति वास्तव में उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है वे वास्तव में नहीं चाहेंगे कि बारह महल वास्तव में झगड़े में पड़े तथापि बुजुर्ग हुआंग ने शायद इसके बारे में अच्छी तरह से सोचा होगा लेकिन अदिति का उसे चीज़ों को वैसे होने देने का कोई इरादा नहीं था जैसा वह चाहती थी अब आप जवान नहीं रहे आपको घर वापस जाना चाहिए और इस तरह के लोगों के सामने खुद को शर्मिंदा करने के बजाय सेवानिवृत्ति में खुद का ख्याल रखना चाहिए आपको क्या लगता है कि आप क्या है कि तुम अपने आप को मेरे रक्षकों से मित्रता करने के योग्य होने का दावा कर सकते हो अदिति एल्डर हुआंग को थोड़ी सी भी छूट नहीं देने वाली थी उसकी जहरीली जीव निर्दयता से उत्तेजक थी बुजुर्ग हुआंग जोर से हांफने लगे और अदिति को अविश्वसनीय अविश्वास से घूरते हुए झटके से एक कदम पीछे हट गए उसकी नज़र तेज़ी से येशा पर पड़ी मानो अदिति के अनियंत्रित और उतावले व्यवहार के बारे में येशा से शिकायत कर रही हो हालांकि ये शा का चेहरा बिल्कुल ठंडा रहा और उसने उसे थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं दी अदिति के पीछे खड़े होने पर उसका व्यवहार अपरिवर्तित रहा वह जो अर्थ चित्रित करना चाहता था वह स्पष्ट नहीं हो सका अदिति ने जो भी कहा वह अंत तक समर्थन करेगा और एल्डर हुआम को बारह महलों के बीच स्नेह के बारे में किसी भी बकवास पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है ऐसी स्थिति ऐसी नहीं थी जिसके बारे में एल्डर हुआंग ने सपने में भी नहीं सोचा होगा वह स्वयं को यह समझा नहीं सका भले ही दूसरा महल अदिति के पीछे फायर कंट्री उपयोग करना चाहता हो क्या उन्हें वास्तव में इसे इस हद तक निभाना था यहां तक कि उनके द्वारा ऑल ड्रैगन्स पैलेस का नाम घोषित करने के बाद भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई जैसे कि ऑल ड्रैगन्स पैलेस पूरी तरह से उनकी जानकारी में हो एल्डर हुआंग के दिल के अंदर का गुस्सा उन्हें लगभग खून की उल्टियां करने पर मजबूर कर रहा था लेकिन उन्होंने उस समय अदिति पर हमला करने की हिम्मत नहीं की युवा सम्राट के पीछे छह लोग एक शिकारी की तरह उसे उत्सुकता से देख रहे थे और यदि उसने उस क्षण हमला कर दिया तो अंत में मुसीबत में निश्चित रूप से वही होगा प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद पीछे हटने का फ़ैसला करते समय बुजुर्ग हुआम ने अपनी छाती को पकड़कर गहरी सांस ली उसने अपनी आंखें उठाकर कोंडोर देश के सम्राट के याचना भरे चेहरे की ओर देखा और कहा यह बूढ़ा आदमी आज थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा है और उसे जाकर कुछ आराम करने की जरूरत है ऐसा कहने पर उसने कोंडोर देश के सम्राट के चेहरे पर स्तब्ध भाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और तुरंत एड़ी मोड़कर चला गया केवल कुछ आराम न करें बल्कि इसके बजाय शाश्वत आराम के लिए जाएं अदिति ने उस बयान को एल्डर हुआम के अचानक वापस चले जाने पर एक झटके की तरह फेंक दिया बुजुर्ग हुआम के कदम पीड़ा से ठिठक गए लेकिन उन्होंने खुद को एक बार फिर अपमान सहने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि वह मनहूस और अपमानित होकर भाग गए जब उसकी आंखें असहाय होकर देखती रही कि उसका इच्छित उद्धारकर्ता उसे छोड़कर जल्दबाजी में भाग गया तो कोंडोर देश के सम्राट का दिल लगभग टुकड़े टुकड़े हो गया था उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि फ़ायर कंट्री सम्राट के पीछे खड़े लोगों के समूह के पास इतनी अपार शक्ति होगी कोंडोर देश के सम्राट ने शुरू में एल्डर हुआम की भारी ताकत का उपयोग करने का इरादा किया था ताकि वह अंतर फायर कंट्री सम्राट के सामने अकड़ने और अकड़ने में सक्षम हो सके जिसके सामने उसे इतने सालों तक झुकना और आत्मसमर्पण करना पड़ा था लेकिन अब उसके लिए ढिंडोरा पीटना और ढिंडोरा पीटना संभव नहीं था बल्कि अब पतझड़ के बाद कुछ हिसाब किताब तय करने का समय आ गया था कोंडोर देश का सम्राट अपने सिंहासन के भीतर कांपता हुआ बैठा था मुख्य हॉल से खिसकने का मौका लेने की सोच रहा था लेकिन अदिति की ठंडी स्पष्ट आंखें पहले ही उसे घूरने लगी थी तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो अदिति की ठिठुरन भरी आवाज इतनी बर्फीली थी कि लोगों का खून जमा दे ऑल ड्रैगन्स पैलेस वह इस समय मुकाबला करने में असमर्थ थी और उसे एल्डर हुआंग को विपत्ति से बचने की अनुमति देनी पड़ी लेकिन जहां तक कोंडोर देश के सम्राट की बात है वह उसे इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती थी कोंडोर देश को तोड़े और ऑल ड्रैगन्स पैलेस की योजनाओं को नष्ट करें भले ही इससे ऑल ड्रैगन्स पैलेस को कोई गंभीर क्षति नहीं होगी फिर भी यह उस साजिश को नष्ट कर देगा जो उन्होंने निचले क्षेत्र में पेश की थी और शातिर तरीके से उनके मांस का एक टुकड़ा काट दिया था कोंडोर देश के सम्राट को ठंडक महसूस हुई और वह जोर से अपने सिंहासन पर गिर पड़े मैं मैं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं फायर कंट्री महामहिम से क्षमा करने की विनती करता हूँ उस पल में कोंडोर देश के सम्राट वास्तव में रोना चाहते थे लेकिन उन्होंने पाया कि उनके पास रोने की कोई क्षमता नहीं है आंसू बुजुर्ग अपनी पीठ पर नमाचा मारकर चला गया था और अब उसे क्या करना था अदिति शुरू से ही कुंद और ज़िद्दी थी और उसके द्वारा पहले कहे गए शब्दों ने स्थिति को और ख़राब कर दिया वह मदद नहीं कर सका लेकिन महसूस करने लगा कि उसके पास जीने के लिए अधिक समय नहीं है वापस बैठो अदिति ने ठंडे स्वर में कहा कोंडोर देश के सम्राट के पैर कांप रहे थे क्योंकि वह अपने सिंहासन पर वापस आने के लिए संघर्ष कर रहा था उसकी भयभीत आंखों में अब सामान्य अहंकारी और दबंग नज़र नहीं आ रही थी सेना को संगठित करना और क्यों साम्राज्य पर आक्रमण करना आपका विचार था अदिति ने सिकुड़ी हुई आंखों से पूछा जैसे ही और अन्य सभी ने अपने शरीर से अपनी चमती बैंगनी आत्माएं वापस ले ली कोंडोर देश के सम्राट ने जल्दी से कहा नहीं मैं नहीं वह एल्डर हुआ था उन्होंने ही मुझसे सेनाएं जुटाने के लिए कहा था मेरे पास क्यों साम्राज्य के खिलाफ कुछ भी नहीं है और वे भी बहुत दूर है मैं बिना किसी कारण के क्यूँ साम्राज्य के खिलाफ सेना क्यों भेजूंगा घबराहट की स्थिति में कोंडोर देश के सम्राट के शब्द तेज गति से निकले क्योंकि किंगडम मेरे फायर कंट्री सहयोगी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ऐसा करने के लिए किसने उकसाया आप ही थे जिन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया अदिति ठंडे स्वर में आगे बढ़ती रही कौंडोर देश का सम्राट इतना भयभीत हो गया कि उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया क्यूँ साम्राज्य फायर कंट्री सहयोगी कब बना यदि ये शब्द शब्ददिति के मुंह से व्यक्तिगत रूप से नहीं बोले गए थे तो कौन विश्वास करेगा कि इन स्वर्गों के तहत सबसे शक्तिशाली देश फाय कंट्री दैनीय छोटे क्यूई साम्राज्य को एक मूल्यवान सहयोगी मानेगा मैं वास्तव में इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि क्यूई साम्राज्य आपका सहयोगी था और अगर मुझे पता होता तो मुझमें कभी भी क्यूई साम्राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं होती मैं मैं क्यूई की भरपाई कर सकता हूं उनके सभी नुकसानों के लिए राज्य जो भी वो चाहे मैं अब मुआवजा चुकाऊंगा जैसे ही वह बोल रहा था कोंडोर देश के सम्राट ने तुरंत काँपते हाथों से एक ब्रश कागज़ और एक स्याही स्लैब की खोज की और जो भी मुआवजा उसके मन में आया उसे उसने कागज़ पर लिखना शुरू कर दिया और दस्तावेज़ को सीधे पहुंचाने के लिए एक हिजड़े को बुलाया अदिति के हाथ अदिति ने लापरवाही से दस्तावेज़ को देखा और अदिति के हाथ में एक बैंगनी रंग की स्पिरिट लॉ फूट पड़ी जिसने मुआवज़े की शर्तों से भरे कागज़ के टुकड़े को एक पल में राख में बदल दिया कोंडोर देश के सम्राट ने अविश्वास भरी आंखों से देखा उसने सोचा था कि अदिति पूरी तरह से उसके पीछे खड़ी कई अविश्वसनीय शक्तिशाली पर्पल -पर आत्माओं पर भरोसा करती है लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अदिति के पास भी संभवतः पर्पल -पर स्पिरिट की शक्तियां हो सकती हैं उस क्षण कोंडोर देश का सम्राट वास्तव में उस एहसास पर फूट फूट कर रोया क्या फाया कंट्री सम्राट को वास्तव में इतना परपीड़क रूप से शक्तिशाली होने की आवश्यकता है अपर्याप्त अदिति की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि वह पूरी तरह भयभीत कोंडोर देश के सम्राट को घूर देख रही थी